हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अजय शर्मा। आज मैं फिर आपके रूबरू हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। ये वीडियो जो मैं वाइल्ड फ्रूट्स के बारे में आपको नॉलेज देता हूँ उसी सीरीज़ की अगली वीडियो है। आज मैं जिस वाइल्ड प्लांट के बारे में आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में उसको इंडियन प्लम और चाइनीज़ डेट, और लोकल लैंग्वेज में हम जैसे पंजाब में इसको जंगली बेर भी कहते हैं, कंडी एरिया ऑफ पंजाब में हम इसको कुरियां कहते हैं। बोटैनिकल नेम इस प्लांट का है जिजीफस न्यूमुलेरिया। एक्चुअली ये प्लांट ऑल ओवर पंजाब में पाया जाता है। इसके अलावा ये हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट लाइक हमीरपुर, ऊना, सोलन, मंडी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी पाया जाता है। आप इस प्लांट की फ़ोटो स्क्रीन पर देख सकते हो, ये प्लांट है इसका। इसको मला भी कहते हैं, हम लोकल लैंग्वेज में मला भी कहते हैं। जैसे चंडीगढ़ के नियर मोरनी हिल्स में भी काफ़ी ये पाया जाता है। ये इसके फ्रूट है, छोटे छोटे रेड कलर के फ्रूट होते हैं। ये प्लांट दोस्तों बहुत ही इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है इस प्लांट की। इस प्लांट्स के फ्रूट के बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसे मैं आपको पहले भी मैं आपके साथ वाइल्ड फ्रूट के बारे में बात कर चुका हूँ। जैसे मैंने पिकली पियर के बारे में आपको बताया था, जिसको छित्रतोर कहते हैं, उपंछिया इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको करौंदा के बारे में बताया था, करौंदा फ्रूट गुरुना जिसको कहते हैं। इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अब मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो वाइल्ड फ्रूट होते हैं, जो जंगली फ्रूट्स होते हैं, उनके इतने ज़्यादा फ़ायदे क्यों होते हैं। देखो, एक बहुत ही फेमस जो साइंटिस्ट थे डार्विन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब है कि दुनिया में जो सबसे तकड़ा है वो ही जिंदा रह सकता है। एक्चुअली विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, साइंस की तरक्की के बाद ये चीज़ें ह्यूमन लाइफ या हमारी डे टू डे लाइफ में तो हमने ये चेंज कर दी। एवरीवन कैन लिव, हर कोई जिंदा रह सकता है, चाहे वो ताकतवर है चाहे कमजोर है। बट अगर जंगल में हम जाएं, जंगल में अभी भी यही रूल चलता है, जंगल में वही सरवाइव कर सकता है जो फिट है। जो कमजोर है वो जंगल में सरवाइव नहीं कर सकता। दैट्स वाई जो ये वाइल्ड फ्रूट है, जो नेचुरली वाइल्ड हैबिटेट में जो फ्रूट्स पाए जाते हैं, इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आजकल आप देख रहे हो कोरोना जैसी बीमारी है, इसके लड़ने के लिए इसके साथ अभी कोई मेडिसिन या वैक्सीन तो बनी नहीं। तो व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आजकल आप टीवी पे देखते हो एंटीऑक्सीडेंट की बड़ी ऐड आती है, सफोला ऑयल है उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारी और ऐड आती हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट की बात होती है। हमें जरूरी नहीं है कि एंटीऑक्सीडेंट वहां से मिल सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ सब्जी वेजिटेबल या ये वाइल्ड फ्रूट खाते हो, इनसे भी आपको बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, इनके बहुत ज़्यादा मेडिसिनल फायदे होते हैं। चलो हम अपनी आज अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस प्लांट के बारे में, जो जंगली बेर है जिसको हम कुरियां भी कहते हैं, इंग्लिश में इंडियन प्लम और चाइनीज डेट कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। इसके क्या ट्रेडिशनल यूजेज हैं, फार्माकोलॉजिकल यूजेज क्या है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, देन इसकी कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं, तो इस सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। स्क्रीन पे आप इसकी फोटो देख सकते हो मजे की। आप जिन लोगों ने इनको देखा है, खाया, वो इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये इसके फ्रूट हैं। चलो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ स्पाइनी एवरग्रीन श्रब। इस पे प्लांट में बहुत सारे छोटे 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 कंडे होते हैं, तो दैट्स वाई इट्स स्पाइनी एवरग्रीन। मीन्स 12 महीने 3 दिन यानी कि पूरा साल इसमें ये ग्रीन रहती है, पत्ते इसके झड़ते नहीं है। ये ट्रॉपिकल फ्रूट ट्री स्पीसीज है जो रेमनेसी फैमिली को बिलोंग करती है। इसके फ्रूट को, इसको हम जुजुबे भी कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम जुजुबे भी कहते हैं। तो जो जिजीफस जुजुबा, जो बड़े बेर जो मार्केट में आते हैं, उसको हम जिजीफस जुजुबा कहते हैं, बट दिस इज कॉल्ड जिजीफस न्यूमुलेरिया। सो इसको हम रेड और चाइनीज डेट भी कहते हैं। पाया कहाँ जाता है, ये ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में, बेसिकली इट इज नेटिव टू इंडिया, बट आजकल ये चाइना,
इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड बहुत सारी अदर वर्ल्ड की कंट्री में भी पाया जाता है। बेसिकली ये प्लांट ज्यादा ग्रो करता है जहाँ सैंडी सॉइल होती है, और खुश्क रीजन सैंडी सॉइल में ये बहुत ज्यादा ग्रो करता है। ह्यूमिड फॉरेस्ट हो, अलोंग दी रिवर बैंक, जहाँ नदियों के किनारों पे, हिल्स पे, स्लोप्स पे, अप टू एलिवेशन, यानी कि 1800 मीटर की हाइट तक ये इजीली ग्रो करता है। जो लोअर हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल है, जहाँ जम्मू रीजन है, कठुआ है, वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके सारे पार्ट्स, फ्रूट, लीव, बार्क, रूट, चारों पार्ट इसके ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में यूज होते हैं। तो जो इसके जंग फ्रूट है उसको हम एज रॉ खा सकते हैं, जब इसका फ्रूट पक जाता है इसको खाया जाता है। इसका टेस्ट बड़ा ही खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट होता है, बहुत ही टेस्टी होते हैं इसके फ्रूट खाने में। तो जो इसके लीव्स हैं उसको हम कुक करके वेजिटेबल की तरह यूज कर सकते हैं। इसका जो फ्रूट होते हैं वो नवंबर से फरवरी तक, नवंबर में इसके फ्रूट लगने स्टार्ट हो जाते हैं, जिनके नवंबर के बाद ये पकते हैं फ्रूट और फरवरी तक ये रहते हैं। तो जो इसके लीव्स है इस प्लांट के, वो हम शीप्स और गोट के लिए एज ए फोडर यूज कर सकते हैं। ये उनके मिल्क को बहुत ज्यादा, मिल्क प्रोडक्शन को एनहांस करते हैं। अगर भेड़ बकरियों को आप इसके लीव्स एज ए फोडर देते हो तो उनका मिल्क प्रोडक्शन है जो बढ़ जाता है। इससे अलावा इस प्लांट को सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट में इसको सॉइल इरोजन रोकने के लिए भी यूज किया जा सकता है। सबसे अच्छा जो इसका यूज है, दिस प्लांट कैन बी यूज एज ए लिविंग फेंस। लिविंग फेंस मीन्स हम इसको अपने खेतों की चार दीवारी पे इसको एज ए फेंस, यानी के तार, कंडियाली तार के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस प्लांट के ट्रेडिशनल यूजेस की, ये प्लांट आयुर्वेदा में बहुत ही ज्यादा यूज होता है टू ट्रीट फीवर, अगर बर्निंग, अगर आपके शरीर में कोई जल जाता है उसको ठीक करने के लिए, कफ कफ, अगर आपकी बॉडी में कोई जख्म है, स्किन डिजीजेस के लिए, आपके पेट में अल्सर है या आपको डायरिया है, इसको ठीक करने के लिए इस प्लांट का आयुर्वेदा में बहुत यूज होता है। इससे अलावा अगर किसी को सेक्सुअल वीकनेस है उसको दूर करने के लिए भी इसका आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। इसके अलावा अगर इसके जो बॉइल्ड लीव एंड बार्क को जब हम बॉइल करते हैं तो उसको हम अपने नहाने वाले पानी में डाल देते हैं, तो हमारी ये बॉडी पेन को खत्म कर देता है। इसके अलावा लीफ बार्क चिकन पॉक्स एंड मिजल्स डिजीज के ठीक करने के लिए भी यूज की जाती है। तो इसके जो लीव्स हैं दे आर वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ। हेयर, जिनके बालों में बाल ग्रोथ नहीं होती, डैंड्रफ है, वो इसके पत्तों को पानी में उबाल के अपने सिर को धोते हैं, उसके लिए भी ये काफी यूजफुल है। बहुत सारी डिसीजेज, क्रॉनिक डिसीजेज को ठीक करने के लिए भी ये आयुर्वेदा में इसको ट्रेडिशनली यूज किया जाता है, जैसे कि रेनल फेलुअर, किडनी स्टोन्स, लिम्फेटिक स्वेलिंग, अगर कोई आपको लिवर डिसऑर्डर है उसके लिए भी हम। जो सबसे अच्छा इसका जो फ्रूट्स का यूज है, ये हमारा वेट गेन में हेल्प करता है, हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को और फिजिकल स्टेमिना को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है अगर हम इस प्लांट के फ्रूट खाते हैं। चाइनीज मेडिसिन में भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इस प्लांट को। चाइनीज मेडिसिन में इट इज यूज्ड एज टॉनिक टू स्ट्रेंथन लिवर फंक्शन। तो लिवर की हेल्दी लिवर के लिए इसको चाइनीज सिस्टम में, मेडिसिन सिस्टम में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा इसके लीव्स एंड रूट पे इसके अलावा रूट पेस्ट को हम रूमेटिज्म, यानी कि गठिए के लिए इलाज के लिए यूज कर सकते हैं। हम ओल्ड जख्म, कोई जो पुराना जख्म है या अल्सर है, उसको ठीक करने के लिए इसका रूट पाउडर यूज कर सकते हैं। तो जो लीव्स मैंने जैसे पहले बताया है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अगर किसी के बाल अच्छे से नहीं आते वो इससे लीव थेरेपी ले सकते हैं। चाइनीज मेडिसिन में ये अगर किसी की जल जाती है उस स्किन को ट्रीट करने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। रूट आर यूज अगेंस्ट स्किन डिजीजेस, बहुत सारी स्किन की डिजीजेस के लिए इसकी रूट पेस्ट को यूज किया जाता है। सो आप देख सकते हो कि इसके बहुत ही ज्यादा
बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है आयुर्वेदा में, चाइनीज सिस्टम में, यूनानी में, होम्योपैथिक सिस्टम में ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये प्लांट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो ट्रेडिशन आजकल मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें कौन कौन सी फार्माकोलॉजिकल इसके यूजेस है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस प्लांट के ऊपर, इसके डिफरेंट पार्ट के ऊपर रिसर्च की है। तो रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्या पाया है कि ये प्लांट एक्चुअल में बोलते हैं ट्रेडिशनल यूजेस, जो भी किसी प्लांट के ट्रेडिशनल यूजेस होते हैं उसकी कोई रिसर्च जान के साइंटिफिक ऑथेंटिकेशन नहीं होती। जब हम मैं फार्माकोलॉजिकल बात की फार्माकोलॉजिकल यूजेस की बात करता हूँ दैट मीन्स इसके साइंटिफिक प्रूफ होते हैं, यानी कि बहुत सारे रिसर्चर ने काम किया, काम करने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ ये प्लांट इन डिजीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल यूजेस एंड फार्माकोलॉजिकल यूजेस। सो कौन कौन से इन फार्माकोलॉजिकल यूजेस हैं इस प्लांट के, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी मीन्स ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। आज के टाइम में हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए, ऐसी चीज जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करे। इसके अलावा इस प्लांट के जो फायदे हैं वो है एंटी कैंसर है, ये कैंसर को रोकता है, डायबिटीज को ठीक करता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कहीं सोजिश है उसको ठीक करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मोटापे को कम करता है, एंटी माइक्रोबियल है, लीवर को ठीक करता है, जख्म ठीक करता है, हमारे ब्लड की एग्रीगेशन यानी कि ब्लड क्लोटिंग को रोकता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, डायरेटिक है यानी कि यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, कार्डियोटोनिक है, हमारे हार्ट दिल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। तो ये इस प्लांट के जो है फार्माकोलॉजिकल यूजेज है। इन फार्माकोलॉजिकल यूजेज से आप देख सकते हो इसके कितने फायदे हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की, सो फ्रूट आर रिच इन फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बी एंड सम फैटी एसिड। सो ये अगर आप इसके फ्रूट कंज्यूम करते हो यू विल हैव अ लॉट्स ऑफ विटामिन सी, आपको बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी और विटामिन बी मिलेगा। अगर विटामिन सी विटामिन बी की बॉडी में कमी होती है उससे बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे सकरमी होता है, अगर विटामिन बी की बॉडी में कमी हो जाए तो खून की कमी हो जाती है। तो दिस इज वेरी हेल्दी फॉर हेल्थ, दिस फ्रूट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो अगर मैं न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूँ, मॉइस्चर इसमें 84% मॉइस्चर होता है, प्रोटीन ये पर 100 ग्राम है, प्रोटीन 1.34 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 9.4 ग्राम, फैट्स होती हैं, फाइबर होते हैं, ऐश है, एनर्जी है, 100 ग्राम अगर हम फ्रूट खाते हैं तो हमको अप्रोक्सीमेटली 50 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसके अलावा इसमें विटामिन B1, थायामाइन, B2, B3, नायासिन, राइबोफ्लेविन, मिनरल, कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अगर किसी भी फ्रूट में अगर कैल्शियम फॉस्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में है तो वो आपकी हड्डियों के लिए, आपकी बोन को बहुत ज्यादा स्ट्रोंग करता है, जिससे आपको फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मिलती है। तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, टोटल शुगर, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में है, फॉस्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें आयरन, कैरोटीनॉइड, जो कैरोटीन है जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, देन थायामाइन, राइबोफ्लेविन, सिट्रिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी क्या है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, टीवी में बहुत सारी ऐड आती है कि भाई इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट है, ग्रीन टी पियो, ये पियो, वो करो, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो लोग आप, मैं ये नहीं कहता वो मत लो, अगर आप ये चीजें जो नेचुरली चीजें आपके पास अवेलेबल है, आपके पास टाइम नहीं है इनको लेने का, तो आप अदर सोर्स सप्लीमेंट ले सकते हो जो आपकी हेल्थ को ठीक करे। आप अगर ये उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं, जो सप्लीमेंट है उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, अगर आप ये नेचुरल वाइल्ड फ्रूट लेते हो उनके साइड इफेक्ट भी कम है, तो आप ये बहुत सारी बीमारियों से बचाते भी है। सो जो इसके फ्रूट है जिजीफस के, दे हैव वेरी न्यूट्रिशनल, वेरी मच न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनके बहुत सारे इनमें मिनरल होते हैं जो आपकी हेल्थ को प्रमोट करते हैं। तो मैं बात करूंगा फाइटोकेमिकल कंपोजिशन में, इसमें इस प्लांट के फ्रूट्स में या डिफरेंट पार्ट में मेनली एल्केलोइड होते हैं, फ्लेवोनोइड, ग्लाइकोसाइड, सपोनेंस, स्टीरोल, टैनिन, लिग्निन एंड फिनोल्स, जितने भी ये मैंने कंपोनेंट आपको, दीज आर दी क्लासेस, ये ना सेकेंडरी मेटाबोलाइट की क्लासेस होती हैं जो नेचुरल कंपाउंड होते हैं, ये सारे क्या है, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, इनकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू होती है। बार्क, रूट एंड लीव आर रिच सोर्स ऑफ टैनिन, दी बार्क, इसकी बार्क से एक रेड कलर की डाई निकलती है जिसको आप नेचुरल कलरेंट यूज कर सकते हो, जिसके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं, एंथोसायनिन होते हैं जो आपकी
एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। इसके अलावा इसमें ट्राइटरपिनोइक एसिड, ओलेनोलिक एसिड एंड यूसोलिक एसिड होता है। ये जो ओलेनोलिक एंड यूसोलिक एसिड होता है इसकी दे आर वेरी दे हैव वेरी मच मेडिसिनल पोटेंशियल। ये ओलेनोलिक और यूसोलिक एसिड की बहुत ही पावरफुल एंटी कैंसर, एंटी एचआईवी एड्स एक्टिविटी होती है। जो फ्रेश फ्रूट है, जो फ्रूट में बहुत सारा क्यूरसटेन होता है, क्यूरसटेन इज अ मेंबर ऑफ फ्लेवोनॉइड जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। सो दीज आर दी मेन फाइटोकेमिकल कंपाउंड दैट आर प्रेजेंट इन द फ्रूट ऑफ जुजुबे। अगर मैं अब बात करूँ टॉक्सिसिटी की, कि इस प्लांट की कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं, फॉर मोस्ट ऑफ पीपल जो इसके फ्रूट होते हैं बहुत ही सेफ होते हैं, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस प्लांट के। आप दिल भर के इसके फ्रूट को खा सकते हो, जितना खाना चाहते हो खा सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने जब मैं छोटा था, हमारे मैं मेरा घर ये कंडी एरिया ऑफ पंजाब में बलाचौर तहसील में है, तो हमारे एरिया में ये प्लांट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट खाता था, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, अगर कोई आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन यूज़ करते हो उसके साथ इसके फ्रूट को आपने नहीं खाना। सो एट द एंड कंक्लूजन, तो देखो मैंने आपके इसके इंट्रोडक्शन बताया कि प्लांट कैसा होता है, इसके ट्रेडिशनल यूजेस बताया, फार्माकोलॉजिकल, देन मैंने इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बात की, उसके बाद इसकी फाइटोकेमिकल कंपोजिशन। अगर मैं बात करूँ इस पूरी वीडियो को, अगर मैं कंक्लूड करूँ, इस प्लांट के, इस फ्रूट के हमें बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कैंसर के साथ हमारी बॉडी की फाइट करने की क्षमता को इंक्रीज करता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, स्प्लीन और ब्रेन फंक्शनिंग को स्मूथ करता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ करता है, हमारी बॉडी को स्टेमिने को इंक्रीज करता है, हमारी स्किन ग्लोइंग स्किन, यानी कि दिस फ्रूट जो इसके फ्रूट है वो एंटी एजिंग काम करते हैं, जो हमारी एज को हमें यंग रखने में हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, एंजाइटी को, जो स्ट्रेस है उसको कम करते हैं, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से हमें रिलीफ, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। तो ऑल एंड ऑल हमें इस प्लांट के साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, बट इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे ही नवंबर से फरवरी का सीजन आता है, मस्ट गो फॉर दिस प्लांट, लुक दिस प्लांट एंड इसको आप प्लांट को खोजो और इसके फ्रूट्स को तोड़ के आप खा सकते हो। सो दीज आर दी लिंक्स एंड रेफरेंसेस, यहाँ से ये मैंने डाटा इकट्ठा किया, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है ये मैंने इंटरनेट में गूगल में सर्च करके और बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल जो इस पेपर के बारे में पब्लिश हैं वहाँ से ये डाटा लिया है। बहुत ये सारा डाटा जो है ऑथेंटिक है। अगर आप खुद भी स्टडी करना चाहते हो तो आप इन साइट्स या इन रिसर्च पेपर में जाके इस प्लांट्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो दीज आर दी अदर लिंक्स, दीज आर दी रिसर्च पेपर फ्रॉम वेयर आई हैव कलेक्टेड माई डाटा। सो फ्रेंड्स, दिस प्लांट हैव वेरी मच ट्रमेंडस पोटेंशियल टू क्यूर डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेज। हमें इसके फ्रूट जरूर खाने चाहिए। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद यूर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू। जय हिंद।